तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस लीग 2022-23 के चैलेंजर T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और बेसमैन हिट के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 2 फरवरी को इंडिया टाइम के अनुसार 1:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहले टीम सिडनी सिक्सर की बात करें तो जहां 5 मैच 4 मैच विन है तो 1 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर बेसमैन हिट की बात करें तो 5 मैच 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि टीम फॉर्म में लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पे सिडनी सिक्सर 7 मैच जीत के आ रही है तो वहीं बेसमैन हिट 3 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे सिडनी सिक्सर काफ़ी आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकता है। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे सिडनी सिक्सर का 80% मिल रहा है देखने को तो वहीं बेसमैन हिट का 70% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 166 है तो वहीं बेसमैन हिट का 169 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 209 है तो वहीं बेसमैन हिट का 224 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 126 है तो वहीं बेसमैन हिट का 118 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी सिडनी सिक्सर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं फ्रेंड चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी तो मोस्टली सनी रहेगी, 25.9 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 65% रहेंगी, वहीं 25% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो जहां 155 बन सकती है वहीं सेकेंड इनिंग में 133 बनने की संभावना है। इस पिच पर अभी तक टोटल 55 मैच खेले गए हैं जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें इस पिच पे अधिकतर मैच डिफेंड हुई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी टीम अगर टॉस जीती है तो बैटिंग करना पसंद करेगी। इस पिच पे बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को यहाँ पे थोड़ा कम सपोर्ट मिलेगी क्योंकि इस पिच पे थोड़ा सा चेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोनों तरफ से दोनों टीम को सपोर्ट करेगी, जो भी टीम स्ट्रांग होगी वह मैच जीत सकती है। तो ये चैलेंजर T20 मैच होगा। इस पिच पे जो भी टीम मैच जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल मैच खेलेगी। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी जबरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग भी होगी, आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी जबरदस्त टीम है, स्टार्टअप से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्ट चैलेंजर मैच खेल रही है। वहीं दूसरी टीम अगर बेसमैन हिट की बात करें नो डाउट ये भी टीम काफ़ी जबरदस्त है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों टीमें स्ट्रांग है, दोनों के बीच में चैलेंजर T20 मैच खेले जाएगा। तो दोनों टीम का पूरी कोशिश करेगी मैच जीतने के लिए क्योंकि जो भी टीम अगर मैच जीतती है वो डायरेक्ट फाइनल पर्थ के साथ खेलेगी। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे ब्रिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर के की प्लेयर की बात करें तो मॉय सैनरिक्स, स्टीव स्मिथ, जॉस फिलिप, जैक्सन बर्ड। वहीं दूसरी टीम बेसमैन हिट के की प्लेयर की बात करें तो उस्मान ख्वाजा, जेम्स बैटली, मैक्स ब्रियन, मिचेल स्वेप्सन। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए सिडनी सिक्सर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।